तो अब हम रीड कर रहे हैं स्क्रिप्ट। और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसे बैठे हैं। यहाँ पे हमने रूम लिया है ऊपर। प्लस यहाँ पे इतनी गंदी स्मेल आ रही है क्योंकि मड है, और मड में फिश की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी गंदी, और जिससे मेरा सर दर्द स्टार्ट हो गया। तो यू कैन सी माय फेस कितना रेड हो गया है गर्मी से, क्योंकि गर्मी इतनी है बहुत ज़्यादा। और ये है हमारा रेस्ट रूम, और प्लस हमारा अभी शूट होगा इसमें, ये घर में। और हैर दीदी बैठी है वहाँ पे। हैर दीदी क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, वहाँ पे ही बैठी है। मैं तो ऐसे ही व्लॉग निकाल रही हूँ। मैं तो कुछ नहीं, वीडियो निकाल रही हूँ, व्लॉग। हाय बोलो। गणपति बापा मोरिया। ये है जो मेरे हस्बैंड बने आज के लिए, एक दिन के भाड़ा के हस्बैंड, भाड़ा के हस्बैंड। हाय बोलिए, हेलो करिए, हेलो। कितनी मेहनत करते हैं ये स्पॉट दादा, जो दादा हमें बार बार पानी देता है। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू, जो हमारी केयर करते हैं हमेशा। शूटिंग ऐसे होती है जो अंदर से, मतलब ऐसा होता है जो हमें टीवी पे बहुत खूबसूरत लगता है, बट एक्चुअल में ऐसी शूटिंग होती है। यह है बहुत सारे पुलिस, जो किसी का मर्डर हुआ है वैसा सीन है, डायरेक्टर सर चाय पी रहे हैं। कौन कौन रहता है यहाँ? यहाँ तीन लोग रहते हैं। चाची जी राइट आओ, चाची राइट आओ। मैडम आप राइट आओ। सर यहाँ से जाइए। अरे भाई क्या पीछे देखा, उसको ये गाड़ी कहाँ से लिया है भाई? लेके जाओ, पीछे लेके जाना। ये हमें रूम दिया है आज के लिए, मैं और एक और एक लड़की है, हम दोनों। फाइनली धूप से रूम में आने के बाद इतना सुकून सुकून सुकून। सीरियसली हालत देखो मेरी क्या हो गई है, बाहर इतनी गर्मी, इतना धूप था कि लिटरली ऐसा लग रहा है ये पूरे जल गए मेरे, पूरे गरम गरम हो गया यार। ये अक्टूबर की गर्मी इतनी क्यों होती है, क्या कोई मुझे बता सकता है? बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब, मतलब इतने धूप में हम शूट करें। सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ मैं, और अब लिटरली नींद आ रही है। बट वर्क इज इम्पॉर्टेंट, सो पहले काम देन आराम, राइट? अब मैं बैठी हूँ, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और मेरा फ़ोन चार्ज करती हूँ, मेरा फ़ोन का बैटरी एकदम लो है। यस कम इन, कम इन।
ब्रेक लेने आए थे। अब मैं बैठी हूँ शांति से। अब मैं सोच रही हूँ, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ जब तक मुझे रेस्ट मिल सकता है, क्योंकि उसके बाद एक और एक मेरा सीन है। वो सीन के लिए मैंने ऑलरेडी लाइंस पहले ही प्रिपेयर कर लिया है, स्मार्ट वर्क। सो मैंने पहले ही प्रिपेयर कर लिया है लाइंस, और फट फट बस मेरा वो सीन हो जाए, फिर मैं भागू घर पे। यार मतलब क्या रहता है ना, जब आप घर पे रहते हो ऐसा होगा कब शूट मिलेगा, शूट आएगा, बिकॉज शूट्स डेली नहीं होता कभी कभार। तो हम ऐसे वेट करते कब शूट, और शूट पे आने के बाद ऐसा होता यार कब पैकअप होगा, कब हम घर जाएंगे। तो ये सिर्फ मेरे साथ होता है कि हर किसी के साथ होता है, बताओ। आज मैं एक और चीज़ बताऊंगी आप लोग को, जैसे कि है ना, बहुत से लोग जो मेरे कांटेक्ट में है और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब फैमिली मेंबर्स हो गए बहुत से लोग, जो लोग ऐसे बोलते हैं यार छोटा सा रोल हमें भी दिला दे, कुछ ऐसा कोई रोल मिल सकता है तो प्लीज़। तो उससे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो छोटा सा रोल भी होता है ना, जैसे कि अगर तुम सिर्फ एक लाइन क्यों ना बोलो, उसके लिए भी तुम्हें ऑडिशंस देने होते हैं। तुम्हें ऐसे ही कोई शूट पे नहीं लेने वाला, जैसे ऐसा लगता है कि अरे शूट है इजी है, बट वैसा नहीं होता है। अगर इंजीनियर जो बनता है वो इंजीनियर की पूरी पढ़ाई करके तब जाके वो इंजीनियर बनता है, राइट। डॉक्टर की पूरी पढ़ाई करके डॉक्टर बनता है। तो सेम एक्टर को भी वैसा है, एक्टिंग का और उनके ऑडिशंस वो सारे क्लियर करने रहते हैं तब जाके उनको एक्टिंग मिलती है, उनको काम मिलता है। ऐसी कोई एक्टर नहीं बन जाता। तो और एक्टिंग अगर करनी है तो हमें इतने सारे पेजेस और ये सारे लाइंस हमें याद करने रहते हैं। वो याद करके फिर हमें एक्टिंग करनी रहती है। भले तुम्हारी तबीयत ठीक हो, भले तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो, फिर भी तुम्हें एक्टिंग करनी पड़ेगी। दवाई लेके एक्सप्रेशंस देने होंगे, इट्स वेरी टफ, इजी नहीं है। सो गाइस, मैंने अभी मेरा लंच किया और अब हम जा रहे दूसरे वाले बंगलों में जहाँ पे हमारा दूसरा सीन है। सो गाड़ी अरेंज कर रहे हैं हमारे लिए, और फिर क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा दूर है वो वाला बंगलो, और इससे पहले हम लोग ये वाले बंगलों पर कर रहे थे शूट। किसमें इसमें बैठना, सच्ची लास्ट सीन है। हैंग ऑन, खुल जा। अरे वो ड्रेस दिया बच्ची को, ड्रेस करो दे। किम्स प्लाजा प्लान वेस्ट, अपन वेस्ट में ही है ना। हाँ, खाली ये धूप ने हालत खराब कर दी है, गर्मी ने। नहीं तो हमारा बहुत अच्छे से शूट होता था। वैसे गर्मी इतनी है ना तो एनर्जी। अच्छा इधर ही है, इतना नजदीक। अरे ये इसमें तो कितने शूट्स हुए हैं। हो सकता है स्विमिंग भी है। वाओ, सो गाइज, अब मेरा जो लास्ट सीन जो बचा था वो हो गया है। अब मे भी शायद से मेरा पैकअप हो जाएगा कुछ ही देर में, मीन्स मे भी शायद हाफ एन आवर में, और मैं इतनी खुश, सबसे पहले मेरा पैकअप। वाओ, फाइनली आई डिड बहुत ही अच्छे से। इसी दूसरा जो लोकेशन है हमारा शूट का, कितना प्यारा है। सी पूल है यहाँ पे, वाओ। ये है मेकअप रूम। इनवॉइस कर रहे हैं क्या, मुझे भी दे दो इनवॉइस। गाइस हमें ऐसे है ना इनवॉइस फिल करना रहता है, सी दिस, तब जाके हमारे अकाउंट में पेमेंट आता, नहीं तो ये लोग हमें पेमेंट नहीं करते। कंपलसरी है। नहीं, गाड़ी है, तो फिर वेट करेंगे। अरे एक लास्ट सीन बचा है ना मेरा वॉकिंग वाला, दीपक नाम होगा क्रिकेटर दीपक। हाँ, पे चल रहा है इन हाउस का सीन।